सो हेलो गाइस यार, आप लोगों का स्वागत है कार्ड न्यू जीरो फाइव के वीडियो में। एंड गाइस देख रहे हो यार, यहाँ पे गाइस होने वाला अवेंजर्स हल्क बनने के लिए फाइट, जो यार साल में सिर्फ एक ही बार होता है और वो आज के दिन होने वाला है। तो देखो यार, अपोनेंट में आया हुआ है मुच्छर रेड हल्क, और भाई हमारा ग्रीन हल्क कहाँ है? एक सेकेंड, ग्रीन हल्क? ओए ग्रीन हल्क, अरे यार आयरन मैन, हमारा ग्रीन हल्क आया कि नहीं आया? फ्रैंकलिन, हमारे ग्रीन हल्क को ना थोड़ा सर्दी लग गई है, थोड़ी ठंडी, बोलते हैं ना ठंडी लग गई है, इसके वजह से उसका हालत ठीक नहीं है। एक सेकंड, अगर वो नहीं आएगा तो मतलब कि मुच्छर रेड हल्क जीत जाएगा और वो भाई अवेंजर्स का नया हल्क बन जाएगा, ये मैं कतई होने नहीं दे सकता। मुच्छर की कसम, ये ग्रीन हल्क तो लड़ने से पहले ही हार गया। ओ नो, अब क्या होगा? ओयो, ये नहीं हो सकता। अरे यार आयरन मैन, कुछ करो ना भाई, ये क्या बोल रहा है? अगर ये हल्क बन गया ना तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। एक सेकंड, ओए आयरन मैन, हम इसे हल्क बनने नहीं दे सकते, अवेंजर्स हाउस का हल्क तो कतई नहीं। फ्रैंकलिन, यही नियम है, हम लोग ने कितने साल पहले ये नियम बनाया था कि साल में एक बार फाइट होगा हल्का, और जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क होगा वो यार बन जाएगा अवेंजर्स का ताकतवर योद्धा, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। एक सेकंड गाइस यार, अगर यहाँ पे हल्क नहीं आता है, मतलब ग्रीन हल्क नहीं आता है, तो ये मुच्छर रेड हल्क तो भाई जीत जाएगा और भाई सब बन जाएगा अवेंजर्स का नया हल्क, ये मैं नहीं चाहता। आप लोग गाइस यार जल्दी जल्दी प्रे करो कि भाई हमारा ग्रीन हल्क आ जाए। अरे ग्रीन हल्क कहाँ हो भाई साहब, भाई कैसे भी आओ यार, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ये मुच्छर रेड हल्क को तो मार के पछाड़ ही दोगे। अरे मैं तो आ गया, थोड़ा सा सर्दी बुखार लग गई थी इसलिए मैं लेट हो गया, ये लो मैं आ गया। एक सेकंड भाई, इसे क्या हुआ? ये तो पूरे तरीके से टिंका की तरह लग रहा है भाई साहब, इतना दुबला पतला, इतनी ज्यादा सर्दी लग गई थी क्या इसे? हाँ फ्रैंकलिन, बिना कपड़े में रात भर दिन भर घूमता रहता था, इसे लग गई सर्दी, देखो कैसा हो गया हल्क हमारा। अरे गाइस यार, आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखना, देखा ना हल्का क्या हालत हो चुका है। हल्क यार, ये मुच्छर रेड हल्क को मार के पछाड़ दे, ग्रीन हल्क हमारा जीतेगा, देख लेना। अरे मुच्छर की कसम, ये टिंके से मुझे लड़ाई करना होगा, वो भी सिर्फ अवेंजर्स हल्क बनने के लिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ बड़े भैया, दिखा दीजिए आप कितने शक्तिशाली हैं, ये ग्रीन हल्क को बीच से तोड़ दीजिए। तुम लोग मुझे नहीं तोड़ पाओगे, मैं हूँ ग्रीन हल्क, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रेड हल्क। ये ले, अरे ये ले, ते लग क्यों नहीं रहा है, तुझे कोई चोट क्यों नहीं लग रही है? मुझे कसम, हो गया टिंका, अब मेरी बारी, मैं दिखाता हूँ, ये ले। ओए मुझे कसम, ये क्या, ये तो गिर गया। अरे बाप रे, ये तो पूरे तरीके से खत्म हो गया। मुझे कसम, आज से मैं नया हो चुका हूँ हल्क, वो भी अवेंजर्स का। तुम सबकी तो पैंट बजा दूंगा मैं, तुम लोग ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, चुन चुन के बदला लूंगा अवेंजर से। एक सेकंड भाई, हमारा ग्रीन हल्क कहाँ गया? भाई हमारा ग्रीन हल्क भाई कहाँ चला गया वो? और एक सेकंड, ओए मुच्छर रेड हल्क, तुमने ग्रीन हल्क के साथ क्या किया? ओए मुच्छर कसम, मैंने उसे मार के तोड़ दिया। ओ नो गाइस यार, ये हल्क हमारा कहाँ चला गया? ग्रीन हल्क भाई नजर भी नहीं आ रहा। भाई यार मुझे तो टेंशन हो रही है, भाई ये ग्रीन हल्क तो कहाँ चला गया? भाई यार वो हार चुका है, इस सदमे के मारे भाई कोई गलत कदम ना उठा ले, भाई कहाँ चला गया वो? ये क्या हो गया, मैं तो हार गया, इसका मतलब अब से मैं बाहुबली अवेंजर्स का टीम में नहीं हूँ, मतलब कि अब से मैं हल्क नहीं हूँ। ओ नो, ये क्या हो गया, अब ये हल्क तो अवेंजर्स टीम से बाहर हो गया, अब ये क्या करेगा हल्क, इसके हल्क तो बेइज्जती हो गया हल्क की, मुझे कुछ भी करके ताकतवर हल्क बनना होगा, तो वरना तो ये मुच्छर रेड हल्क तो अवेंजर्स के टीम में राज करेगा और मैं यहाँ पे कमजोर रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे कुछ भी करके ताकतवर बनना होगा। चलो गाइस यार जल्दी से ऊपर चलते हैं, ये पहाड़ में पता है हल्क के देवता, हल्क के गॉड रहते हैं, मैं उनसे मिलूंगा और उनसे पावर मांगूंगा, देखते वो मुझे देते कि नहीं देते शक्ति, मैं शक्तिशाली होकर के मुच्छर रेड हल्क को छोड़ूंगा नहीं, उसने भाई मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, मैं ताकतवर होकर वापस से अवेंजर्स टीम में बन जाऊंगा नया हल्क। ये देखो, ये है हल्क गॉड, हल्क के देवता मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, ये देखिए मेरी सारी पावर चली गई है, और पता है आज से मैं अवेंजर्स में हल्क भी नहीं हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं ना सुपर हीरो रहा, ना ढंग से हल्क भी ना बन पाया, प्लीज मुझे दे दीजिए पावर अपनी। मैं तुम्हें अपनी पावर नहीं दे सकता, तुम्हें अपनी पावर खुद से हासिल करनी होगी, अपने फोन में देखो, तुम्हें अपग्रेडेशन की जरूरत है हल्क, तुमको अपग्रेड होना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे अपना फोन में देखना होगा, ये क्या है भाई, मैं अपग्रेड हो सकता हूँ? एक सेकंड, ये क्या है? अरे गाइस यार, ये तो हल्का सूट है, मतलब कि इतने सारे हल्का सूट, वो भी धांसू लग रहा है, और एक सेकंड, इसके नीचे तो प्राइस भी लिखी हुई है, ये तो बहुत महंगे है, इसका ये मतलब है मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, पैसे देने पड़ेंगे,
उसके बाद जो तुम हल्क बनोगे वो सबसे शक्तिशाली वाले हल्क बन जाओगे। अच्छा गाइजार, मैं तो समझ गया, मतलब कि गाइजार मुझे यहाँ पे ना अपने सूट को अनलॉक करना पड़ेगा। पहला सूट देख रहे हो $100 का है, मुझे कुछ भी करके $100 कमाने होंगे। उसके बाद यार मुझे यार एक हल्क का सूट मिल जाएगा। चलो गाइजार $100 कमाने चलते हैं। अरे गाइजार मुझे तो यहाँ पे पैसे चाहिए, वो भी बहुत सारे। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? कोई अगर जान पहचान का मिल गया तो मैं उसे उधार ही ले लूंगा। यहाँ ये आइडिया सही है। एक सेकंड, मुझे क्यों लग रहा है वहाँ पे फ्रैंकलिन जिम में कसरत कर रहा है। ओए फ्रैंकलिन, ओए फ्रैंकलिन सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाई हल्क तुम वहाँ से भाग के कहाँ चले गए थे? हम लोग सब ढूंढ रहे थे। अरे क्या हुआ हल्क, तुम्हें पता है वो मुच्छर रेड हल्क के आने के बाद ना भाई यार मुझे अवेंजर्स हाउस से बाहर निकाल दिया उसने। बताओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे पता है मुझे अपग्रेड होना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपग्रेड वाला सूट खरीदना है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अच्छा रुक जा, ये ले, ये मेरे पास $100 है। ले भाई इसी से जो करना है कर ले। अरे वाह $100 मिल गए, चलो एक काम करता हूँ $100 वाला सूट खरीदता हूँ, देखता हूँ मैं कितना अपग्रेड होता हूँ। अरे वाह मैं तो नॉर्मल वाले पावरफुल में आ गया। बट यहाँ पे और भी सूट हैं जो मुझे अनलॉक करने हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। अब तो बहुत मजा आने वाला है, चलो और पैसे कमाता हूँ और ताकतवर होता हूँ। हाँ आज तो मजा आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे $3,000 चाहिए मुझे नए सूट परचेस करने के लिए, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? एक सेकेंड, यहाँ पे कोई रो रहा है क्या? चलो चेक करता हूँ वहाँ पे कौन रो रहा है। अरे ये तो एक स्पाइडरमैन है। अरे स्पाइडरमैन तुम रो क्यों रहे हो? मुच्छर रेड हल्क ने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया क्या? आइला नहीं नहीं, अरे पता है मैं ना गाड़ी लेके आया था नई वाली स्कॉर्पियो है, और पता है यहाँ पे स्पाइडर गैंग वाले लोग मेरी गाड़ी छीन ली और देने रहे। अच्छा ऐसी बात है, स्पाइडर गैंग वाले लोग से तो मैं निपटता हूँ। ओए स्पाइडर गैंग तुम स्पाइडरमैन की गाड़ी क्यों नहीं दे रहे हो? तुम लोग को मार खानी है क्या मेरे से? ओए पिद्दी हल्क, हमें पता चला है कि तुम अवेंजर्स टीम में भी नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से तो वरना मार मार के तुम्हारी भर्ती बना देंगे। हाँ निकल जाओ निकल जाओ, आते भी तूने तुम बहुत कमजोर हो गए हो, दुबले पतले कहीं के। लगता है गाइजान इन्हें अपनी पावर दिखानी पड़ेगी नए सूट की। ये लो कैसा लगा, आ जाओ कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? अरे भागो ये तो मार देगा। भाग गए सारे। अरे यार ये गाड़ी तो कमाल की है। ये लो स्पाइडरमैन, ये लो तुम्हारी गाड़ी, तुम्हें मिल गई। आइला तुमने कमाल कर दिया, तुम ही हमारे सबसे खतरनाक वाले हल्क हो। आइला ये लो मेरी तरफ से $3,000, ऐश करो। जाओ जाके नया सूट खरीद लो जाके हल्क। चलो अब मैं अपनी स्कॉर्पियो एन से घूमूंगा, बाबा बड़ा मजा आएगा, फाइनली मेरी गाड़ी मिल गई मुझे, शुक्रिया हल्क। अरे वाह मुझे तो $500 मिल गया। चलो दोस्तों $500 का नया सूट परचेस करते हैं और देखते हैं वो सूट कैसा होने वाला है। 1, 2 and 3। अरे यार ये तो हल्क बस्टर वाला सूट है, क्या मैं उड़ सकता हूँ? अरे गाइजार मैं तो उड़ भी सकता हूँ। वाह भाई वाह क्या ही मजा आ गया, सोचो थोड़ी देर पहले मैं टिंका की तरह पतला था, अब मेरे पास खतरनाक सी बॉडी भी आ गई है, और हाँ हल्क बस्टर सूट भी आ गया है, अब आने वाला बहुत ही मजा। चलो चेक करता हूँ इसके बाद मुझे कौन सा सूट परचेस करना है। ओ माय गॉड अब मुझे यहाँ पे $1,00,000 चाहिए, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, अब मैं क्या करूँगा, $1,00,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? भाई साहब $1,00,000 तो भाई बहुत ही ज्यादा होता है। गाइजार चलो मुझे तो भूख लग गई। एक सेकंड यहाँ पे गाइजार ये रेड हल्क का भाई क्या कर रहा है, चलो देखता हूँ। ओए मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, चलो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और चलो अंदर जाता हूँ खाने पीने के लिए, आज तो बहुत भरपेट खाऊंगा। अरे गाइजार इसकी तो लैम्बोर्गिनी उरस है, भाई काम कर तो इसे चोरी करता हूँ और इसको बेच दूंगा, तब तो मेरे पास पक्का $1,00,000 आ जाएंगे, उसके बाद मैं अगला सूट परचेस कर सकता हूँ। चलो इसके अंदर तो भाई गाड़ी की चाबी भी लगी हुई थी, बेवकूफ कहीं का लॉक भी ढंग से नहीं किया था। चलो गाइजार इस गाड़ी को लेके जाते हैं और सीमियन के शॉप में बेच डालते हैं और गाइजार मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। गाइजार पता नहीं बट मुझे लगता है कि $1,00,000 की तो ये गाड़ी होगी होगी, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना ये कौन सी गाड़ी पता है, ये लैम्बोर्गिनी उरस है। ये दो गाइजर फाइनली आ चुके। ओए सिमियन ये देखो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, इसे जल्दी जल्दी खरीद लो। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा कंडीशन में गाड़ी है, इसको तुम्हें पूरे पूरे $1,00,000 तो मिल ही जाएंगे। अरे क्या $1,00,000, अरे भाई ले लो और $1,00,000 दो। ये लो $1,00,000 और आज से ये लैम्बोर्गिनी उरस हुई मेरी। वाह ये गाड़ी तो कमाल की है। दोस्तों अब मेरे पास $1,00,000 हो चुका है, चलो दोस्तों अब $1,00,000 वाला सूट परचेस करते हैं। अरे गाइजर ये देखो $1,00,000 वाला सूट तो बहुत ही कमाल का है, ऐसा लग रहा भाई मैं आयरन मैन हल्क बन चुका हूँ। भाई मेरे पास यार पूरे तरीके से आयरन मैन की पावर भी है और हल्क की भी पावर भी है, चलो चेक करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अरे वाह दोस्तों मैं तो हाई जंप भी कर सकता हूँ। और ये देखो अब मैं हल्क स्मैश देने वाला हूँ। ये लो
भाई यार क्या ही पावर है मेरे पास आ चुकी है। अब गाइजर आने वाला है मजा। एक सेकंड गाइजर, भाई एक सूट अभी भी बच रहा है जो $1 million का है। सोचो $1 million अगर वो मेरे पास आ जाएगा तो भाई मैं गॉड लेवल वाला सूट भाई खोल सकता हूँ और भाई यार यूज कर सकता हूँ। ये गॉड लेवल वाला सूट तो बहुत ही कमाल का है, बट यार मुझे $1 million भी तो चाहिए। वो मैं कहाँ से लाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी करके $1 million चाहिए भाई। मुझे यार अनलॉक करना अपने गॉड लेवल वाला सूट। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कोई चैलेंजेस चल रहा है। चलो देखता हूँ ये चैलेंजेस में पैसे है क्या। अगर भाई साहब पैसे मिलेंगे तो ये चैलेंज मैं भी करूंगा और भाई मैं चैलेंज पास करने का मुझे पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई साहब ये क्या चैलेंज है और भाई इसमें पैसे मिलेंगे क्या जीतने पर? हाँ भाई साहब ये स्टंट चैलेंज है। आपको इस बाइक में बैठना होगा और हाँ यहाँ से जंप लगाना होगा और ये सारे बोटो के ऊपर से जंप लगा करके फिर से एक और बार जंप लगाना है। फिर आपको आखिरी में अच्छे तरीके से लैंड करना है। अगर आप भाई साहब ऐसा करते हैं तो आपको $1 million मिलेंगे, वो भी अभी के अभी। क्या कहो अभी के अभी? अरे यार मैं अभी चैलेंज करने वाला हूँ ये वाला। सोचो गाइस अगर मैं जीत गया तो $1 million मिल जाएंगे मुझे। चलो स्टार्ट कर दिए चैलेंज को। वाह भाई वाह, लगता गाइस यार मैं ये चैलेंज को आराम से कर सकता हूँ। ये देखो भाई यार क्या ही मस्त है, मैं भाई फाइनली लैंड कर गया। अब चलो भाई आखिरी जंप है, ये जंप मैं कर लेता हूँ तो भाई मुझे मिलने वाला $1 million। ओ भाई साहब मैं भाई जंप करने वाला हूँ और ये देखो फाइनली गाइस यार मैं भाई पहुंच गया। मानता हूँ बाइकर इधर फेंका गए बट मैं यार विनिंग पॉइंट में पहुंच चुका हूँ। ये लो अब भाई साहब मुझे मिलने वाला है $1 million। अरे गाइजर ये देखो मैं फाइनली जीत गया और मुझे $1 million मिल गए। चलो गाइजर अब बाइक करते हैं $1 million वाला सूट और देखते वो सूट कैसा होने वाला है। अरे वाह गाइजर ये क्या है, ये तो भाई ऐसा लग रहा है मॉन्स्टर हल्क है। देख रो गाइजर मेरे बदन में इतना सारा खतरनाक सा टैटू, इसका फेस तो देखो कोई भी यार डर जाएगा। अब आने वाला है बहुत ही मजा, मैं गॉड लेवल वाला सूट भी पहन लिया गाइज। अब चलते अवेंजर्स हाउस और भाई यार वो मुझे रेडल को बताते कि भाई हम लोग के अंदर कौन सा पावर आ चुकी है उसको बताते और भाई भगा देंगे यार अवेंजर्स, मतलब पूरे लॉस सेंटोस से भगा देंगे उसे। कहां गया अवेंजर्स हाउस? चलो गाइजर वो मुझे रेडल को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। देख रो गाइजर क्या ही पावर आ चुकी है मेरे अंदर। भाई कोई भी गाड़ी टकरा रही है तो उड़ के फेंका जा रही है, ऐसी पावर तो किसी के पास नहीं होगी। देख रो गाइजर वाह भाई वाह, भाई क्या ही लग रहा हूँ मैं। ये $1 million वाला सूट ना गाइजर सच में लाजवाब है। चलो पहुंच गए फाइनली अवेंजर्स हाउस। मुझे कसम तुम लोग सब मेरे आगे झुको, मैं ही हूँ ताकतवर। आइले सर जी अगर हमारा ग्रीन हल्क होता तो ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता ना। हाँ यार अगर ग्रीन हल्क होता ना तो मुझे रेडल को अच्छे से बजाता। एक सेकंड गाइस यार वहाँ पे क्या चल रहा है? भाई मुझे रेडल को सबके साथ यार मनमानी कर रहा है, ये मुझे रेडल को तो छोड़ेंगे नहीं। अरे मुझे रेडल किए ले मार खा, कैसा लगा? फाइनल यार तुम्हारा पुराना ग्रीन हल्क वापस आ चुका है और ये मुझे रेडल को तो भाई खतरनाक तरीके से खत्म कर दिया है। आई लव वाह ग्रीन हल्क तुम वापस आ गए वो भी खतरनाक तरीके से। हाँ मैं वापस आ गया। सो गाइस नीचे कमेंट करके बताना कि ये नया वाला अपग्रेडेड सूट आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोजाना इस तरीके से खतरनाक वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।